वंदनीयन को बार सर्व कला समरथ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हथ धन वाहिगुरु साहिब जियो गुर सेवन सतगुर दाता हर हर नाम समाया राम हर धूड़ देव हो मैं पूरे गुर की हम पापी मुक्त कराया राम पापी मुक्त कराए आप गवाए निज कर पाया बसा बबेक बुद्धि सुख रैन बिहानी गुरमत नाम प्रगासा हर हर आनंद भया दिन राती हर हर आनंद भया दिन राती नानक हर मीठ लगाई गुर सेवन सतगुर दाता हर हर नाम सुमाए गुर सेवन दाता हर हर नाम सुमाए शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे आप सारे ही अति सत्कार योग धनता दे योग हो बड़े भाग ने कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन पे अरोगा दे महाबाक अनुसार साहबा दी पावन ते पवित्र हजूरी दा आनंद माणदे हों आओ गुरबाणी शब्द जो लड़ीवार विचार है आपां सुणदे पढ़दे समझदे आ रहे हाँ अज दा जो बंद आपां पढ़िया है इसनू समझिए समझन तो पहला सब ने गुरु पातशाह जी दे चरणा विच इक्के बार कहण ते हाजरी लवाउणी बोलना जी आखियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह ने बड़ी बख्शिश कीती है तीजे गुरु नानक धन गुरु अमरदास महाराज धन गुरु अमरदास महाराज जी उन्हां वल्लों रचित पावन बाणी सूही राग दे विच 772 नंबर अंग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का एक शब्द आपां गायन कीता सी पिछले दिनों दे विच उन्हूं आपां तीन हिस्सों दे विच पहलां पढ़ चुके हां ते अज लास्ट वाला बंद उस ही शब्द का लड़ी दे मुताबक आया है। गुरु ने बख्शिश कीती है जो उन्हां दा अपना निजी तजर्बा जिंदगी दा जो हर एक सुख सहूलत वाला अड्डा है वह सानू पातशाह ने समझाया गा भी कित्थे तैनू सुख मिलेगा आत्मक सुख
की काम करन दे नाल तैनूं दुख मिलेगा, मन करके तू परेशान होवेगा। चेता रखियो गुरु दवाई, मन करके जिहड़े दुखी आ उन्हां सब नूं दिंदा परमानेंट इलाज आ। जे आपां इत्थे इउं भी कह लांगे ना ते अत कथनी नहीं होवेगा, जिवें आपां हस्पताल विच जांदे आ ना डाक्टरां दे अड्डो अड्ड लेवल हुंदे ने भी इह डाक्टर सिर दा महारा, इह डाक्टर पेट दा महारा, इह डाक्टर जोड़ां दा महारा, इह फलाना डाक्टर चमड़ी दे रोगां दा महारा। चलो जिन्ने भी शरीरक रोग ने सारयां दे अड्डो अड्ड डाक्टरां दे संबंधी ना नाम दे अगे एक छोटा जा लेबल लग्या हुंदा भी इह फलाने रोग दा महारा। इवें जिवें गुरु, जे आपां बाहर मन लो भी अपने वल्लों अपनी विचार दे तहत इदां दा बैनर बना के लगवा दईए ना भी मेरा गुरु एक रोग दा महार नहीं, सारे रोगां दा महार है। नंबर एक नोट, खास गल की है मन दे रोगां दा तां पक्का ही इलाज आ। दुनिया दे विच तन दे रोगां दे इलाज करन वाले डाक्टर बहुत ज्यादा ने, पर मन दे रोग ने जिहड़े मन दे रोगां दी बीमारी दा परमानेंट इलाज महार डाक्टर किसी दुनिया के कोने चो शायद आपां नूं ना मिले। जिहड़ा मन दा इलाज आ ना वह गुरु करदा, ते गुरु किहड़े रूप च करदा मेरे मालक ने सानूं समझाया। अज पातशाह जिक्र करदे ने गुर सेवन सतगुर हर हर नाम समाया राम। अपने गुरु नूं ध्याया कर, ओ गुरु केड़ा दाता, गुर सेवन सतगुर दाता हर हर नाम ध्याया राम। परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं तू रोजाना याद करया कर, रोजाना याद करया कर। बस गल फिर उस उदाहरण ते आपां लेके आवांगे, बीमार सी डाक्टर ने दवाई देती तीन चार जां पंज बारी दिन दिहाड़ी विच लैण दे संबंधी, ते जिन्हें अपने तन दे रोग दी फिक्र कीती आ ना उह दसे हुए टाइम तों खुंझदा नहीं है वी दवाई ना लवे। जिन्हों बीमारी का फिक्र आ ना वह दसे हुए टाइम के मुताबिक दवाई जरूर लवेगा, भुलदा नहीं। पांच बारी चाहो तीन बारी जिन्ने बारी भी डॉक्टर ने दस्सेगा। इवें जिवें जदों गुरु वैद मेरा वैद गुरु गोबिंद सानूं दस दिंदा ना भी तैनूं दवाई लैनी पऊगी, तेरे मन का इलाज हो जाऊगा। हुण मन दीआं जिहड़ीआं बीमारियां सब नूं मन करके हर कोई परेशान, आपां कल भी इह दृष्टांत लैता सी, मन करके हर एक बंदा दुखी हैगा। ते जदों मन की बीमारी की दवाई गुरु ने देती भी तैं हर रोज अपने पूरन गुरु नूं ध्योणा, ये पहली दवाई भी आ। नाल इहदे परहेज दस दिता भी तेरा ध्यान होर ना किते जावे, किते गायत्री दे पाठ ते तुरिया फिरे, किते गरड़ पुराण दे पाठ ते तुरिया फिरे। चलो वह पढ़ना उन्हां नूं समझना एक अलग विशा, ठीक है ना। हुण उदाहरण लै लो वी साडे हाथ च ना दवाई दा लीटर आ गया, स्परे सब दे घरां च आ। हुण आपां चक के पढ़ ली, देख ली अपने अखां दे नाल, नहीं समझ आई ना आपां ढक्कण खोल के उहदी हवाड़ लै के भी वेख ली भी किहड़ी दवाई आ। किसान ने देख ली, पर देखो दो तरीके वरते ने, पढ़ लिया ते सुंघ लिया, ते तीजा तरीका की सीगा भी हुण उदू गांह आपां पीणी नहीं, इहनूं वरतना किसी होर रूप दे विच, पौद्यां ते फसल ते वरतना, उहनूं संभाल के रखता, बच्चां दी पहुंच तों दूर रखता। अच्छा जे लीटर भर के लीटर दे विचों गलास भर के पी ले फिर की बणू, फिर गड़बड़ हो जाऊगी। इवें जिवें दूजे जो भी मत ने गुरु साहब जी कहिंदे इक नूं ध्योणा, इक तों बिना होर नहीं किते जाणा, तां दूजे जो भी मत ने उन्हां नूं अखां नाल वेख लिया भी ठीक आ, उह फलाने थां फलानी चीज़ हो रही आ, उहदे ते मैं अमल नहीं करना, मतलब उहनूं भर के पीणा नहीं है, वेख लिया ना अपनी परख लई,
अपने अंदर नूं एक सुनेहा दे दिता, मैसेज दे दिता, चाहे कोई कुछ भी आ, कोई मनमती काम आ, कोई किसी तरह का स्पैशल पाठ करदा, गरड़ दा, पुराण दा, किसी भी चीज़ का, अठारह वेदा दा, सिमरतियां दा, शस्त्रां दा, जो मर्जी करे, भगवत गीता दा करे, सानू मतलब नहीं है। असी सुन भी लिया भी हो रहा, देख भी लिया दवाई दे लीटर वांगू, पर पीना नहीं है, अमल नहीं करना, उते ना साडा मतलब नहीं है। हुण गुरु साहब कहिंदे इह परहेज आ, तैं इक नूं छड्ड के किते होर दूजे थां नहीं जाणा। जे मैं परोज ना सतगुरां दी पावन बाणी जो नितनेम दा रूप रहरास साहिब दा पाठ है, रहरास साहब जी दे पाठ मुदावनी दे शब्दां विच एक शब्द आ ना, पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दा, जिहदे विच जिक्र करदे ने अंतर गुर अराधना अंतर आत्मे जिहवा। पातशाह जी कहिंदे जीव दे नाल जिहवा जप गुर नाउ, उथे की कहा गा अंतर आत्मे रब नूं याद रखना, गुरु नूं ध्यान च रखना। जीव दे नाल तैं गुरु वल्लों दित्ते हुए शब्द नूं जपना, मतलब बोलना, बोलना भी आ, कन्नां नाल सुनना भी आ, जपण तों भाव जानना भी आ, तैं समझना भी आ। समझण तों बिना अधूरा रह जावेगा। मतलब उथे सानूं दृष्टांत की दिता, अंतर आत्मे आराधना भी कर, जप भी, अंतर गुर आराधना जिहबा जप गुर नाउ, काम की करना, नेत्री सतगुर पेखना, अखां दे नाल गुरु नूं रोज शब्द नूं, गुरु शब्द नूं रोज वेख्या कर सुरत दी अख नाल, नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी कन्नां दे नाल, सुनना गुर नाउ, फिर की है सतगुर सेती रते आ दरगह पाई अठाओ, तैनू इस धरती ते दरगाह दे विच थां मिल जानी आ। अंतर गुर आराधना जिहबा जप गुर नाउ, नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाउ, सतगुर सेती रते आ दरगह पाई अठाओ। हुण पातशाह जी कहिंदे इस संसार दे विच नानक दी कृपा सदका, भाव ओ अकाल पुरख वाहिगुरु दी कृपा सदका, तैनू सुख मिलेगा। थां मिलण तों भाव की आ, सुख मिलेगा। हुण कोठियां तां सब दे पर सुख नहीं किसे कोले है, बैड वधिया विस्तरे सब कोले ने पर नींद नहीं है, वधिया भोजन हर एक दी रसोई च तैयार हो जाएगा, पर जे बीमारी जिही लगी है ना, भोजन बन गया पर खादा नहीं जाएगा। बनदा भोजन वेख सकते हैं, अपने जी नूं ललचा सकते हैं, पर जे जीव ते रखांगे ना छकांगे, मौत है, डॉक्टर ने कहते मर जाएगा। हुण कहण तो भाव की है, जे गुरु नाल जुड़े हुए आ, फिर पातशाह ने सानू अंदरले तल ते ना इन्नी को शांति दे देनी आ, वी पहली गल तां गुरु ने खाण दा पीण दा पूरे सोहणे ढंग दे नाल सानू समझाता। जदों साडी जिंदगी सोहणेपण विच चलेगी ना, फिर कदे भी दुख नहीं आवेगा, ना बंदा मानसिक तल ते परेशान होवे, ते ना बंदा शरीरक तल ते समाजिक तल ते परेशान होवे। उहदी परेशानी दा इलाज गुरु कर दिंदा है, मन दियां बीमारियां दा इलाज गुरु कर दिंदा है। इत्थे मेरे मालक ने जिक्र कीता, गुर सेवन सतगुर दाता हर हर नाम समाया राम। अपने गुरु नूं रोज याद करिया कर, ओ दाते नूं कदे भी ना भुल, ओहदे विच समाउण दी कोशिश कर, समाउण तों भाव एकमिक होण दी कोशिश कर। एक मिक तो भाव की हुंदा विचार मिल जाण, जिवें मान लो उदाहरण एक कोई साथों दूर दुराडे पिंड दा गा, ते पर उहदे विचार ने जिहड़े उह साडे परिवार नाल साडे नाल मिलदे ने, ते हुण देखो जे परिवार नाल साडे नाल उहदे विचार मिल गए ना, भावें उह साडे तों 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर किन्नी मर्जी दूर होवे, पर असीं उहनूं दिल चों प्यार करांगे, वी उह बंदे नाल साडे विचार मिलदे ने, असीं उहदे नाल इकमिक हो जावांगे। शरीर करके भावें दूरी आ, सुरत करके इकमिकता हो जांदी आ। इवें भावें जो गुरु ने कल दस्सिया सी ना, वी
परमात्मा नूं कोई दूर जानी बैठा कोई नेड़े मनी बैठा गा की लिखिया सी एक ना प्रभ दूर वसा एक ना प्रभ नेर एक ने नेड़े मन लिया एक ने दूर मन लिया हुण चेता रखियो जिन्हें दूर मनिया ना उदो अर्थ भाव आप इत्थे की लैणे ने भी आपां सुरत करके वाहिगुरू नाल एकमिक हो जाईए शरीर करके भावें दूरी पै जावे एक छोटी जी उदाहरण इतिहास दे विचों लै लो इसे साखी तो इसे कहानी तो साढ़े इतिहास तो बहुत उदाहरण बनदियां ने हुण धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पूजनीक माता साड़ी दादी माँ ते साड़े भरा बाबा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह जो आप उन्होंने वेखांगे ना आनंदपुर साहब नालों ते फतेहगढ़ साहब चलो बाद च तां हुण अज फतेहगढ़ साहब की धरती ते हर कोई जांदा ना पर उस टाइम ते तां केवल ते केवल वह वजीर खां दे अधीन सी ना देखना पू उस टाइम ते कोई गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप नहीं कोई गुरुद्वारा साहब कोई किसी तरह का गुरु के नाँ ते लंगर नहीं कोई किसी तरह का कोई भी उत्थे गुरु के नाँ ते कम नहीं हुंदा उस टाइम ते की है एक सरकारी थां एक सरकारी अदालत है ते पर शरीर करके तो गुरु पातशाह जी दे पुत्र माता साडे भरा साडी दादी माँ शरीर करके तो दूर आ ना शरीर करके तो अपने पुत तो भी दूर आ शरीर करके आनंदपुर साहब तो दूर आ पर सुरत विच गुरु नाल आनंदपुर साहब धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नाल एकमिक ने परमात्मा नाल एकमिक ने जे एकमिक ने तो परमात्मा ने उत्थे भी उन्होंने मदद की जिथे उन्हों का शरीरक तल ते कोई नहीं सी मदद की कीती हुण आपां सोचांगे विचारियां नूं नीहां विच चिणिया गया ठंडे बुरज रख्या गया मदद की आ मदद इस गल दी आ ओह डोले नहीं आ सब तो वड्डी मदद कर गया परमात्मा तिना दे बयान अड्डो अड्ड लेते ने क्योंकि तो सरकारी कानून आ ना जिन्हें बंदे पकड़े गए सारयां दे बयान अड्डो अड्ड लेने ने ते बयानां दे आधार ते उन्होंने सानू कुंडी जड़ा लेना गा हुण सोचो तिना दे बयान अड्डो अड्ड लेते ने अड्डो अड्ड धमकियां अड्डो अड्ड लालच अड्डो अड्ड सजावां उन्होंने अंदर खाते समझाइए मार देंगे बढ़ देंगे कर देंगे वाह कर देंगे पर तिना की सुरत करके विचार एक ने सुरत करके विचार एक ना जे सुरत करके विचार तिना दे एक ने तिना की एक मिकता वह परमात्मा नाल है तिना दे विच वसदे परमात्मा ने तिना की विचार एक चौथी विचारधारा परमात्मा नाल गुरु नाल गुरु दे इतिहासक पिछोकड़ नाल वी साडा दादा किहो जिहा साडे दादे दा पिता किहो जिहा साडा पड़दादा किहो जिहा उन्हां दी विचारधारा की सी इह उन्हां दे ध्यान विच सी ते ताइयों उह बयानां च अड़े नहीं ते अपने धर्म तो डोले नहीं हन बहुते कहिंदे ने मती दास दी की मदद होगी सती दास दी की मदद होगी भाई दयाला जी दी की मदद आ नहीं भाई मदद उन्हां दी इह आ वी सिर ते आरा चलदा उह डोले नहीं अज सिर ते आरा नहीं चलता सच जाने हर एक बंदा डोलदा हर एक बंदे दा सुभा हर एक बंदे दा मन इउं जिवें थाली च पानी हुंदा गा जिधर नूं चुखा पानी दा हो गया उधर ही पानी सारा चला जाता जिधर नूं थाली टेढ़ी हो गई अज साडा सारे समाज दा सुभा इदां दा ही आ जिधर नूं दस भी पंजाह बंदे हो गए आपां भावें उह गल गलत होवे सारयां दा भाव सुभा उन्हां दे नाल ही जाके रलू इह नहीं है भी गल सही केड़ी आ ते गलत केड़ी आ चलो इत्थे गुरु साहब जी कहिंदे इदां भाई ओह परमात्मा नाल साडी इक मिकता होनी अति जरूरी है जिहनूं पातशाह ने कहा गा हर नाम समाया राम ओह परमात्मा दे नाम विच आपां समा जाईए अगे हर धूड़ देव हो मैं पूरे गुर की तीजे पातशाह जी कहिंदे भावें ओह अपनी जवान नाल ने भी सानू रब दे प्यारियां दी धूड़ देवो चलो वैसे आपां धूड़ दे आधार ते काफ़ी मेरे ख्याल मुताबक जानते होवांगे क्योंकि जिथे रोजाना दी विचार गुरु रोज़ दवाई दिंदा गुरु रोज़ गुरबाणी दा लंगर छकाउंदा ना उत्थे फर्क रहिंदा गा बहुते थामां ते तां अज वी धूड़ इन्ना ज्ञान होण दे बावजूद ना पढ़ी लिखी दुनिया होण दे बावजूद जिन्हां कोले अपनियां डिग्रियां हत्थां दे विच चक्कियां होईयां ने सच जाणिओ उह रेते नूं धूड़ मन्नी बैठे आ मिट्टी नूं मैल नूं धूड़ मन्नी बैठे ने पर गुरु किहड़ी धूड़ दी गल करदा की गुरु साडा सानूं रेते नाल मत्था मरवाऊगा ना
जे धूड़ की गल करिए ना फिर तो कम वाले की धूड़ सब तो वध लगती है मिट्टी घट्टा सोचना पूना उन्होंने धूड़ तो नक राही मूह राही अंदर भी चली जाती है सोचना पूगा ते अज साढ़े पढ़िया लिखिया समाज है जिहड़ा माफ करना ये पखंड बहुत ज्यादा धार्मिक अस्थाना ते हुंदा चलो वह आप सांझी गल करती धार्मिक स्थान चाहो मंदिर चाहो गुरद्वारा बहुते थावां ते कुड़ियां दे विच धूड़ वंडी जांदी है रेता वंडिया जांदा हैगा कमाल दी गल आ दस रुपया की पूड़ी चमचा दो चमचे रेते दे दसां दे एक चमचा बीहां दे दो चमचे करना की है इहनू पी लो करना की है नहा लो इहदे नाल करना की है मिट्टी मत्थे ते मल लो देखो करना की है वह अगले दसता उहदे नाल होऊ की कुछ नहीं कुछ भी नहीं होंदा गा धूड़ विकदी है सुआह विकदी है यह साडा अज दा पढ़िया लिखिया वर्ग कम करदा गा शायद पुराने बजुर्गों ने कम नहीं किया अज का पढ़िया लिखिया वर्ग ही कम कर रहा है चलो ये तो आप समझ गए भी अज समाज ने आ धूड़ नूं भाव की मन लिया इनू बख्शिश मन लिया भी गुरु की बख्शिश है नहीं बिल्कुल नहीं है फिर केड़ी धूड़ की गल आ हुण आपां गुरबाणी विच पढ़दे आ ना चलो किते धूड़ मंगी है गुरु साहब ने अपन दस्यागा अज दे शब्द विच भी धूड़ की मंग कीती है पातशाह जी कहिंदे हर धूड़ देव हो मैं पूरे गुर सतगुर की मैनू पूरे गुरु की धूड़ मिल जाए हुण आपां इह वेखणा वी साडा शरीरक गुरु तो है ही नहीं जो कम धंधा करदा फिरदा शाम तक उहदे लत्तां बाहां पैर धूड़ नाल मिट्टी नाल लिबड़ गए ते असीं शाम नूं सारी धूड़ ला ली ला के ते वरत लवांगे साडा गुरु तो एक शब्द के रूप च शब्द के रूप च रहण वाला गुरु ते उदी सुरक्षित थां गी उह वी धूड़ तो रहत है जिथे गुरु साहब का प्रकाश आ उत्थे बहुत सोहणे ढंग नाल उदी केयर की जाती है बिल्कुल मिट्टी नहीं कोल तक जाती जे जाती है तो सफाई हो जाती है साडा गुरु तो अजिहा ना फिर कि धूड़ की मंग मंगी है पर चेता रखियो गुरबाणी विच धूड़ की मंग मंग भी ली घोल के पीने की गल भी की गुरसिखा की हम धूड़ दे पापी भी गत पाहे जिक्र उत्थे कीता सी पापी हाँ जे सानू गुरसिखा की धूड़ मिल जाए ना गुरु की नहीं इत्थे गुरसिखा की धूड़ कही है इत्थे कदे गुरु की धूड़ मंगी है कदे गुरसिखा की गुरसिखा की हर धूड़ दे साडा सुभा के भी जिथे गुरसिख मिट्टी रेते घट्टे च लिबड़ते हैं धूड़ उड़ती है ना भी वह धूड़ की गल शायद जितों तक गल मिलती है ना भी चादर दरिया ने इन्हों लोग झाड़ते हैं वाहेगुरु भला करे आप सारे समझदार सियाने हो बहुते थावां ते जो झाड़िया जांदियां ने लोग थले आउंदे ने क्यों कहिंदे ते गुरसिखां दी धूड़ आ कहिंदे साडे सिर च पै जूगी देखो आ सुभा साडे लोगों का की गुरु इसे धूड़ की गल करदा ना चलो कुछ चवचा बनियागा कि गुरु वह चवचे का पानी पीण की गल करदा ना केड़ी धूड़ की गल करदा साध की धूर घोल घोल पीजे उते गुरु कहिंदा रब दे प्यारियां दी धूड़ घोल घोल भी ऐ इदां घोलदे आपां इं घोलदे कोई वस्तु घोलनी है मिठा घोलना कौड़ा कसैला घोलना उहनूं घोलदे आपां हलाउणे आ किसे भी पदार्थ नूं ते हुण सोचो भी वह घोल के पीण की गल क्यों की पर असी समझना इनू समझा किवें जाएगा जे आप रोजाना दी किरिया के अनुसार अपने जीवन ढलांगे छे महीने बाद साल बाद गुरु को महीने बाद आवेंगे ना फिर नहीं गल बननी क्यों फिर जिन्ना गुरु साल बाद बोल के सानू सुनाएगा छे महीने बाद बोल के घंटा दो घंटे दसेगा वो असी तुरंत ही भुल जाएंगे तो जिहड़ी रोज आ रोज वड्डी आ रोज विच बड़ी वड्डी ताकत आ एक काम नू रोज रोज करना उहदे च बहुत वड्डी ताकत आ गई अभ्यास वध जांदा बंदे दा तजर्बा आपां कह लईए कोई मझां बेचदा कोई ट्रैक्टरां दा व्यापारी आ कोई खेती दा काम करदा कोई दुकानदारी आ कोई रसोई का मां भैन काम करती है कोई धारा चाहती है माता भैन माल सामदी है उन्होंने तजर्बा अपना रोजाना की किरिया ना रोजाना की किरिया उन्होंने बहुत बड़ा अभ्यास हो गया तो अभ्यास का सदका मार नहीं खाते गए हुण यही अभ्यास इत्थे गुरु तो बनाउणा भी गुरु तो कुछ ना कुछ रोज सीख गए बस फिर अभ्यास बन जूगा फिर असी इन्हां धूड़ां दे मंगर नहीं पवांगे हुण आओ आपां असली धूड़ कोल चलीए जिहड़ी गुरु कोलों मिलदी आ जिहड़ी साध संगत कोलों मिलदी आ जिहनूं साध कोलों मिलण दा जिक्र कीता उह है विवेकता विवेकता की है सियाणप पूरे वर्ल्ड दे विच गुरु बहुत ने
चेता रखियो। अगे मन्या जांदा सी कि विदेशां दी धरती ते विदेशी लोक ना केवल परमात्मा तो बिना होर नूं नहीं किसे नूं मानदे हो, पर अज शाबाश साढ़े हिंदुस्तान के लोगों के खास करके पंजाब के लोगों के शाबाश आ जिन्हां ने इधरों जाके उधर भी मड़ियां मसाणा कवरां की पूजा शुरू करवाती। इधरों भाव इट्टा भी पांच पांच चार चार लेके गई ने, बुढ़िया पुरानियां गई ने वो नाल लेके गई ने, क्यों आके उत्थे आपदे घरे जाके मट्टी लाऊ हाँ ही कसर रहिंदी सीगी। इधरों लेके गए हैं, इधरों कोई किसी थान तो बूटा ही लेके उठे आके बूटा लाऊं, फिर मैं कहीं पूजा करूं ना, मैं बूटा लाना नहीं गुना लाना चाहिए गा, वो तो वो एक रुख सौ सुख की कहावत आ ना, पर उन्हें पूजना बाबे तो करवा के आ। कई दिन हो गए किसी के घर न्यों रखी, माफ करना, एक पूरे कागज सोहने ढंग नैट लपेटी, पूरे सोहने ढंग ना पूरे सोहने ढंग उ धागे धुगे जो काफी बने वे आई कितों आ, ये किसी बाबे के डेरे चो आई है। हुण बाबे ने 50 रुपईआं दी मान लो 4 रुपईआं दी इट्ट 4000 दे भाव नूं, सोचो 5-4 रुपईआं दी इट्ट किन्ने क रुपईए दित्ते, सोच के देखो एक इट्ट किन्ने क रेट दी पैगी होगी। वो इथों तक साडा ध्यान अजे रुकिया विया गा। कहण तो मुराद गुरु कहिंदा भाई विवेक तां धूड़ है, गुरु पातशाह जी दी चरणा दी धूड़ कहड़ी आ, गुरु नानक पातशाह दे चरण कहड़े ने, शब्द गुरु है, शब्द दी विचारधारा चरण ने, विचारधारा नूं अपने हिरदे च बसाउणा, हिरदे च बसी हुई गुरु पातशाह दी ज्ञान दी दात, इह भाई चरण धूड़ हैगी। इह चरण धूड़ साडे पापियां दे जीवन नूं सवार दिंदी है, बाहरी चरण धूड़ उह नहीं, इह गुरु दी विचारधारा। गुरु किड्डा कु विशाल है, उहदा अंत नहीं पाया जा सकदा। इत्थे जिक्र कीता पाशा ने, हर धूड़ देव हो मैं पूरे गुर की, हम पापी मुक्त कराया राम, मैं पापी तो सचे पाशा मुक्त हो जामा, तुसी जरूर कृपा करो मैनू धूड़ देवो। केड़ी विचारधारा दी ये भुलना नहीं है। साधकी धूर करहो इशनान, देखो ना धूड़ ना इशनान तो नहीं किया जाता, पर धूड़ लाहौण दे लई इशनान जरूर किया जाता। जिन्हें को आप इत्थे बैठे हैं ना सुन रहे हैं दूर नेड़े, एक गल दा थोड़ा जा अपने दिमाग दे विच ना पुछ के वेखो भी आप धूड़ लाहौण वास्ते, मिट्टी लाहौण वास्ते, तन तो मैल लाहौण वास्ते इशनान करते हैं, पर मैल च मिट्टी च इशनान नहीं कर देगी, धूड़ च इशनान नहीं कर देगी। कोई इदां दा नहीं होगा, अपने जिन्हें भी बैठे आप इर्द गिर्द रहने वाला भी जिहड़ा मिट्टी च लिबड़ के आ जाए तो कह दे मैं तां इशनान करिया आ, पर उहनूं की करना पैंदा अपने तन तो मैल लाहुण दे लई इशनान जरूर करना पैंदा, पर मिट्टी च धूड़ का इशनान नहीं हुंदा। फिर गुरु कहड़ी धूड़ का इशनान कहिंदा गा, साधकी धूर करो इशनान। चलो असी जो सुन लिया असी साधा को माफ करना, साध इतने गुरु आ, गुरु ग्रंथ साहब जी, तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की धूड़ विचारधारा, विचारधारा का शरीरक इशनान नहीं मन का इशनान करवाना। जिमें पंजवें पातशाह दसा ना अपन, गुरु नानक पातशाह जी कहते ने तीर्थ नावण जाऊं, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। उत्थे दृष्टांत की दिता भी तीर्थ शब्द विचार जिहड़ा तीर्थ आ ना मेरे लिए, हुण उत्थे पातशाह कहिंदे तुसीं भी तीर्थां ते जांदे हो, असीं कहता भी हाँ जाने आ, गुरु साहब कहिंदे मैं भी तीर्थ ते जाना गा, पर जिहड़ा मैं तीर्थ ते जाना ना, मैं आह तीर्थ ते जाना जिथे आपां बैठे आ, भाव तीर्थ नावण जाऊं उथे ऊड़े ते बिंदी लग गई भी मैं जांदा हाँ, उथे ही नहीं पढ़ना भी तीर्थ नावण जाओ, जे जाओ कहता ना फिर तो ये गल ही बन गई भी गुरु साहब आपां नूं कहिंदा भी तुसीं जावड़ो ना, तीर्थ नावण जाऊं, तीर्थ नाम है मेरे लिए, तीर्थ गुरु परमात्मा का नाम, विचारधारा तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, आ तीर्थ हैगा। ये तीर्थ ते गुरु साहब जी कहते रोज जाया कर तू, ये तीर्थ ना कि अंदर दी मैल मन दी मैल उतर जू,
जियो मैले बारो निर्मल बारी तौर ते इस सरोवर च इनान करांगे शरीर दी मैल लेगी शरीर निर्मल हो गया पर जिंद साडा मन ओ मैलागा ते इत्थे दूजा पद की हैगा पातशाह जी कहिंदे जियो निर्मल बाहरो निर्मल उदो जाके गल बननी जो तू जिंद करके अंदर करके भी निर्मल हो गया ते बाहरो भी निर्मल हो गया हुण बाहरी इशनान सब कर लैंदे ने पर मन दा इशनान कोई कोई करवा के जांदा है आपां कोशिश करिए गुरु कि मैं भी तुहाडे विच ही आ मेरा मन भी तुहाडे वर्ग ही आपां सारे इक्को जिहे आ चलो सारे आपां विद्यार्थी आ गुरु नूं बेनती करनी आ वी सच्चे पातशाह साडे मन दा इशनान जरूर करवा दिया कर असीं न्याणे आ असी वे समझ हाँ असी समझदार नहीं हाँ देखो न्याणा बच्चा ना वो अपनी मां नूं कहिंदा मां मैनूं नवा देखो कहिंदा गा जदों वड्डा हो गया मां नूं कहिंदा आपे नहाला पुत हुण तूं आपे साबण शैंपू जो भी किसी चीज की वरतों करनी कर तत्ता ठंडा आपे वेख ते जदों न्याणा सी ना उदों कहिंदा सी ते मां उहदे तत्ता ठंडा पानी वेखदी सी पूरे ध्यान नाल नवाउंदी भी सी हुण आपां न्याणे आपां ही नहीं कहिंदा वी स्याणे ना सानूं नहाउणा नहीं आउंदा पातशाह सानूं नहाउण सिखा दे सिखाउणा भी नहीं तूं आप खुद नवा किहड़े पक्ष ते मन करके फिर गुरु सानूं मन करके जरूर नवावेगा जदों आपां गुरु नूं अपनी मां मन के बेनती की जे बेनती नहीं की फिर गुरु साढ़े कदे आखे नहीं लगेगा एक छोटा जा दृष्टांत ले लो जिहड़ी मां ना मां दे शरीर विच ओ अकाल पुरख वाहिगुरु ने पता नहीं किहो जी वाइब्रेशन पाई आ बच्चा जिन्ना मर्जी रोंदा होवे कोई उन्हों टॉफियां दिंदा कोई रुपये दिंदा कोई खिलौने दिंदा बच्चा चला चला मारदा सब कुछ ना खिलौने ना रुपये ना टॉफियां मैनूं कुछ नहीं चाहिंदा चाहिंदा की है मैनूं मां चाहिंदी है देखो बच्चे की भावना किन्नी वधिया ताइयों गुरु ने उदाहरण बच्चे ने दित्तियां ने अच्छा जदों मां ने आके चक लिया ना उन्हें नाल दी नाल अपना रोना बंद कर दिता मां ने कुछ नहीं कहा सिर्फ चक्या छाती नाल आया अज साडी सारी दुनिया रो रही है किदे तो बिना मां तो बिना गुरु परमात्मा रूपी मां नाल टुट गए ना रो रहे हैं पता है पर गुरु मां कोले आउणा नहीं कोई चाहुंदा अच्छा ओ साडा रोना बंद करन दे लई कोई पखंडी किहो जिहा खड़ौना दिंदा कोई धूड़ दा खड़ौना दिंदा कोई किहो जिहा धागा करके दिंदा ये सारे खड़ौने ने लालच ने कोई कुछ करके दिंदा कोई कुछ करके दिंदा पर साडा रोना नहीं बंद होया देख के देखो नज़र मार के वेखो सुरत करके भी आपां सारे हाँ बच्चे इस तल ते साडी जिंदगी दीआं मुश्किलां बहुत ने असीं हाँ रोने गुरु नानक साहिब बाणी च भी लिखा ना बाली रोवै नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार बाली रोवै इत्थे तां सब रोंदे ने रोवै राम वाहिगुरु भला करे इत्थे तां राम भी रोंदा जिन्हों इतिहास राजे दा पुत कहिंदा असीं रब कहिंदे आ चलो अपन अपनी माफ करना आपां गुरबाणी मुताबक किसे नूं रब नहीं कहिंदे हाँ पर एक दो मिनट समझण दे लई आपां की मनना भी लोकां मुताबक आपां रब कह लो भी जिन्हों लोग रब कहते हैं ना आप भी रब कह दो एक मिनट वास्ते अच्छा जेड़ा रब आ वह रोंदा भाई चलो हूँ थोड़ा जिहा रब तो उपर उठ के आपां पासे आके हूँ आप राम दे घरे वग जो दशरथ दे घरे वग चलो राम नूं रब कहता दशरथ नूं राजा कहता राजे का पुत राजा हूँ बन गया राजा अच्छा जेड़ा राजा दुनिया का वह भी रो रहा है बाणी च हवाला दिता पातशाह ने कहते रोवे राम नकाला भया सीता लखमण विछड़ गया कहण तो भाव इत्थे तां सब रोंदे ने भाई की छोटा की वड्डा सब रोंदे है ना अच्छा वह रोना वराउण दे लई दुनिया विच साधन बड़े असी मन ले गुरु कोले साधन इक्को ही आ गुरु मां कोले आ जा इन्हें तैनूं विरिया देना इहदे कोले दवाई अजिही आ वाइब्रेशनी अजिही आ जदों तू आवेंगा ना इहदे चरणां च बैठेंगे इहने नाल दी नाल शांत कर देना सच जाणो इह बिलकुल सच्ची गल आ दुनिया बाहरों दुखी होके रोंदी आ पर इत्थे आके रोना बंद हो जांदा गा पर सच जाणियो उह रोना बंद तद होवेगा जे असीं अपनी मां गुरु दी परख करांगे असीं गुरु दी विचारधारा धूड़ लवांगे ते गुरु तो कुछ सिखांगे कुछ समझांगे फिर कृपा होणी है सुत अपराध करत है जीते जननी चीत न रख सतेते फिर उह साडे ना औगण नहीं चितारदी फिर उह सानूं अपनी गल नाल ला लैंदी है च
चलो पातशाह जी कहिंदे फिर भाई गुरु की विचारधारा शब्द की विचारधारा ये साढ़े लिए गुरु पातशाह दे वल्लों मिली हुई धूड़ है। इस धूड़ नूं आपां सियाणप कह लो ज्ञान कह लो विवेकता कह लो ते जिहड़े सियाणे हो जांदे ना वह कदे फिर भाई रेते रा विच नहीं लिटदे वह तां भाई लिटणों बंद हो जांदे ने। हम पापी भी गत पाहे उधर ये लिखा इत्थे की लिखा हम पापी मुक्त कराया राम असी पापी सी पापी मींज अंदरों मैले सी अंदर दी मैल दी सारी शुद्धता गुरु ने कर दित्ती है। अगे पातशाह जिक्र करदे पापी मुक्त कराए आप गवाए आप गवाए ये मैल आ होमे दी आप गवाए ये गवाचगी खत्म हो गई पापी मुक्त कराए आप गवाए। फिर अगे कहते निज कर पाया वासा हुण मैं जदों अपने अंदरों ये बीमारी गवाती ना हुण मैनू निज घर दे विच थां मिल गई। चलो मन लो भी आपां दो तीन घर गिण लो दुनिया विच कोई पुछे आपां नूं भी तेरे लई सब तो वड्डा शानदार घर किहड़ा अपनी मत मुताबक चलो आप गुरसिखी परिवार नाल संबंध रखदे ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नाल साडा नाता जुड़िया हुआ असी अपनी मत मुताबक किसी ना किसी धार्मिक स्थान का नाम लवेंगे भी आनंदपुर साहब पटना साहब हजूर साहब जां साडी सब तो सरमौर सिखां दा केंद्री स्थान संस्था दरबार साहब अपना हाथ होगा। चलो हिंदू नूं कोई पुछो जगन्नाथपुरी जां कोई अपने मत मुताबक होर कोई ना लै सकदा कोई मुसलमान भरा नूं पुछे मुसलमान कहेगा मक्का जां मदीना उधर नूं हथ कर सकदा पर आपां हुण गुरु नूं पुछना भी तुसीं की इन्हां तिन्ना चारां थावां नाल संबंध रखदे हो